गूगल 3D एनिमल्स अगर आप देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से तो उसको कैसे देखना है? तो जो गूगल क्रोम का ऐप है, नॉर्मल जो आप ऐप यूज करते हैं गूगल क्रोम का, तो उसके सर्च बॉक्स में आपको उसका नाम लिखना है एनिमल का। तो यहाँ पे टाइगर अभी लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो टाइगर को आप सर्च करेंगे टाइगर, और टाइगर को जैसे ही सर्च करेंगे तो इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि पे टाइगर के डिटेल आ चुका है, और उसके साथ साथ में ही जो अबाउट टू दी टाइगर है सारी डिटेल्स, उससे रिलेटेड न्यूज़ एंड देन आफ्टर, ये जो विकिपीडिया का आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं टॉप पे जो है ना, विकिपीडिया का रेफरेंस है अबाउट टू दी टाइगर, जो टाइगर की डिटेल है राइट। उसके बाद में जो पॉइंट आप देख पाएंगे उस पॉइंट पर, ये यहाँ आप एक टाइगर को देख रहे हैं। ये टाइगर आप जो है 3D व्यू में, एक्चुअली जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके थ्रू गूगल ने जो एक फीचर प्रोवाइड किया है अभी उन सब लोगों के लिए जो घर पे बैठे हुए हैं और इस पर्टिकुलर जो फीचर का है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो सारा उसकी जो डिटेल है अबाउट टू द एनिमल उसको स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि उसकी हाइट कितनी है, उसके आसपास की संबंधित जो भी जानकारी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक जो नेम है उसका वो क्या है, उसका लाइफ स्पेन कितना है, उसकी स्पीड कितनी है जब वो दौड़ता है, उसका हाइट कितना है। तो ये ऐसे इसी तरीके के सारे फीचर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए आपके पास जो मोबाइल फोन है एक्चुअली वो थोड़ा कंपेटेबल हो। अभी जैसे मेरे पास में जो मोबाइल फोन है वो उसके कंपेटेबल नहीं है, यूं तो सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन इस 3D जो व्यू है उसको देखने के लिए जो है कुछ सेलेक्टेड मोबाइल फोन्स ही हैं जिनमें ये फीचर अवेलेबल है, जहाँ पर ऑगमेंटेड जो रियलिटी का फीचर है वो अवेलेबल है। आपको करना क्या है, इस तरीके से कुछ सेलेक्टेड जो एनिमल्स है ये उन्हीं के लिए एक्चुअली अभी वर्क कर रहा है, ये सभी एनिमल्स को यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ आपको अब अगर इसको अपने घर के अंदर देखना है तो उसके लिए क्या करना है कि आप इस 3D जो व्यू है उस 3D व्यू को आप बटन को दबा दें और यहाँ से फिर चेक कर लें कि ये आपके मोबाइल फोन में वर्क करता है या नहीं करता। जैसे मैं अगर इसको प्रेस करूँगा तो अभी ये तो मुझको पता है कि ये मेरे मोबाइल फोन में अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये उसी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब एक तो ये हुआ कि क्या केवल एक ही यहाँ पर एनिमल अवेलेबल है या दूसरे एनिमल भी अवेलेबल है। एक्चुअली एनिमल तो जैसे मैं अगर अभी यहाँ कुछ दूसरे एनिमल का नाम टाइप करूँगा, यहाँ मैं नेम टाइप करता हूँ जो पांडा है, तो पांडा को मैं सर्च करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये भी सेम, अभी ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ये सिमिलर है टू दी अर्लियर वन। फिर पांडा और पांडा की जो डिटेल आया है उस तरीके से, और यहाँ आप फिर विकिपीडिया की डिस्क्रिप्शन अबाउट टू दी पांडा एंड अगेन द सेम, ये उसी तरीके से 3D व्यू आपको घर में दिखाई पड़ेगा। जहाँ पे भी आप इसको क्लिक करना चाहें तो 3D व्यू का पैटर्न जैसे आपके मोबाइल फोन में डेवलप होगा तो आप अपने घर के अंदर इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे, और वहाँ को आपको वो फीलिंग आएगी कि पांडा जो है वो आपके घर के अंदर बैठा हुआ है राइट। तो ये अभी स्पेशल फीचर जो है गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप दूसरे एनिमल को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मैं बोल रहा था कि ये अबाउट टू दी, और बच्चों के लिए खासकर ये बड़ा एंटरटेनिंग होगा कि सभी जो एनिमल्स हैं उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि उसका कलर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका लाइफ स्पेन कितना है, उसका वेट कितना है, मास कितना है, साइंटिफिक नेचर है। तो जैसे मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ जो पांडा मैं अभी सर्च कर रहा था तो उससे रिलेटेड ये विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन, और गूगल कुछ और भी रिलेट यहाँ सजेस्ट करता है कि रिलेटेड टू जायंट पांडा एंड टाइगर। तो यहाँ मैं इसको डॉग को क्लिक करके देखता हूँ कि सिमिलर टू दी टाइगर और पांडा ये डॉग के 3D व्यू अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल हैं। तो यहाँ ये इसको मैं देखता हूँ वैसे ही विकिपीडिया का, यस ये आप देख रहे हैं कि डॉग का भी जो 3D व्यू है जो अवेलेबल है, तो आप इसको व्यू को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर डॉग नहीं है तो आप इस 3D जो व्यू है ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो आप देख पाएंगे तो अपने घर के अंदर जो है डॉग को एंजॉय कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि इसका जो
साउंड है वो अवेलेबल होगा उस टाइम पे या नहीं होगा। तो यहाँ ये डॉग हो चुका है, लॉयन हो चुका है, लॉयन को भी देखते हैं कि लॉयन यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। यस, तो लॉयन भी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, व्यू इन 3D आप देख सकते हैं। तो आप इसको इंजॉय करिए, और आई एम 100% श्योर कि मैं उस फीचर को अभी यूज नहीं कर पाया, आप इसको इंजॉय डेफिनेटली करेंगे जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो 3D व्यू जो है वो आपको अपने घर के अंदर दिखाई पड़ जाएगा। तो ये गूगल 3D एनिमल फीचर है, और बाय दिस वे यू कैन ऐड एन होलोग्राम टू आप जो भी है एक तरीके से अपने घर के या जहाँ पे भी आपको देखना है तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। करना क्या है आपको, जस्ट ये जो 3D व्यू है इसको क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फीचर अवेलेबल है तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगा, राइट। दिस इज ए गुड न्यूज एक्चुअली उनके लिए जो घर पे बैठे हुए हैं और जिनके पास में स्मार्टफोन मोबाइल फोन है। ऐसे तो सभी के पास में स्मार्ट मोबाइल फोन है, लेकिन ये जो गूगल 3D एनिमल फीचर्स है ये कुछ सेलेक्टेड जो मोबाइल फोन है उसी में अवेलेबल है, जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। इसके थ्रू आप क्या देख पाएंगे, इसके थ्रू आप अपने जो घर के अंदर है वो लाइव जो ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको बोलते हैं उसके थ्रू जो आप हैं किसी भी एनिमल को अपने घर में उसका 3D व्यू एक्चुअली देख पा सकते हैं। तो जो गूगल 3D एनिमल फीचर्स है वो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ही फोन्स के अंदर अवेलेबल है। तो करना कैसे है ये मैं आपको बता दूँ।